हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी। इसे बनाना बहुत आसान है और गर्मियों में इसे चावल के साथ खाना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ दही या योगर्ट 400 ग्राम्स, और मैंने लिया है बेसन। मैं यहाँ बूरा इस्तेमाल कर रही हूँ, आप गुड़ या चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक और पानी। सबसे पहले एक बोल में दही डाल देंगे। फिर इसमें डालेंगे 4 बड़े चम्मच बेसन। बेसन को मैं छान कर डालूंगी। फिर इसमें डालेंगे नमक स्वादानुसार, और मैं डाल रही हूँ बूरा 2.5 टेबल स्पून। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसमें बिल्कुल लम्स नहीं होना चाहिए। अब इसमें पानी डालकर एक घोल तैयार करेंगे। इसे थोड़ा पतला रखेंगे क्योंकि बॉयल होने के बाद ये गाढ़ी हो जाएगी। अब गैस ऑन करके एक बड़ा पैन रख देंगे। अब इसमें अपना बेसन और दही का मिक्सचर डाल देंगे। अब इसमें उबाल आने दीजिए। उबाल आने के बाद हम फ्लेम को स्लो कर देंगे और इसे बीच बीच में हिलाते हुए 20 मिनट तक उबलने के लिए छोड़ देंगे। जब तक कढ़ी पक रही है तब तक हम अपना छौंक तैयार कर लेंगे। इसके लिए हम एक पैन में घी डालेंगे। घी में कढ़ी बनाने से कढ़ी बहुत अच्छी बनती है। घी गर्म होने पर इसमें डालेंगे सरसों 1/2 टीस्पून। सरसों क्रैकल होने पर इसमें डालेंगे हींग, बारीक कटा हुआ अदरक, 4 से 5 कड़ी पत्ता, इनको तोड़ कर डालेंगे। फिर डालेंगे सूखी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटा चम्मच। इसे हम अच्छी तरह से मिलाकर 1 मिनट के लिए पका लेंगे। और थोड़ा सा ठंडा करके कढ़ी में मिला देंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिलाकर कुछ देर तक उबाल लेंगे ताकि मसालों का फ्लेवर कढ़ी में मिल जाए। कढ़ी तैयार है। अंत में हरा धनिया डालकर मिला लेंगे। गैस को ऑफ कर देंगे। अब इसे एक बोल में सर्व कीजिए।
आशा है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्द मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।